हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉमिक बुक यूनिवर्स। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, रिक्वेस्ट करिए अपनी फेवरेट कॉमिक बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग एक लिफ्ट में एक बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन तब वो लोग देखते हैं कि लिफ्ट तो किसी भी फ्लोर पर नहीं रुक रही और आखिर में सबसे ऊपर वाले फ्लोर से भी ऊपर जाकर रुक जाती है। वो लोग लिफ्ट का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट भी नहीं खुल रहा है। तब लिफ्ट के स्पीकर में से आवाज़ आती है कि तुम में से कोई भी इस लिफ्ट से बाहर नहीं जा पाएगा। अब तुम लोग ध्यान से मेरा सवाल सुनो। एक आदमी था जो इस बिल्डिंग के 13वें फ्लोर पर रहता था। हर सुबह वो लिफ्ट में घुसता और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने काम पे जाता, लेकिन जब वो घर आता तो 13वें फ्लोर का बटन ना दबाकर 12वें का दबाता और तब सीढ़ियाँ चढ़कर अपने फ्लोर पर जाता। बताओ क्यों? जिस पे वो लोग कहते हैं मजाक करना बंद करो और गेट खोलो। आवाज़ आती है सही जवाब दो और गेट खुल जाएगा, और गलत जवाब दिया तो तुम लोग सीधा 40वीं मंजिल से नीचे जाकर गिरोगे। तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। जिसपे एक लेडी क्लैरिसा कहती है कि शायद लिफ्ट खराब थी। जिसपे आवाज़ आती है गलत जवाब क्लैरिसा, सही जवाब ये है कि वो आदमी इतना लंबा नहीं था कि 13वें फ्लोर का बटन दबा पाता। क्लैरिसा कहती है तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तभी लिफ्ट के पैसेज में एक बॉम्ब फटता है जिससे लिफ्ट की वायर्स टूट जाती हैं और लिफ्ट सीधा 40 मंजिल नीचे जाकर गिरती है और शायद लिफ्ट में मौजूद सब लोग मर जाते हैं। एक आदमी कह रहा है गौतम शहर, यहाँ लोग अपना मुंह बंद रखा करते थे, इस शहर पे हमारा राज हुआ करता था। लेकिन तब वो आदमी आया। अब दूसरा आदमी कहता है तो तुम बैटमैन के बारे में बात कर रहे हो? जिस पर पहला आदमी कहता है उसका नाम मत लो, कहते हैं कि अगर तुम उसका नाम लेते हो तो वो तभी तुम्हारे सामने आ जाता है। बिल्कुल डरावनी मूवीज की तरह हम देखते हैं कि बैटमैन एक आदमी का पीछा करता हुआ जा रहा है और एक छत पे पहुंचकर उसे पीटने लगता है। तब बैटमैन के कान में लगे स्पीकर से अल्फ्रेड बैटमैन से कहता है खड़े हो जाओ, इस आदमी के दोस्त तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तब वो लोग बैटमैन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब बैटमैन उनकी गोलियों से बचता हुआ उन लोगों को पीटने लगता है। इसी बीच बैटमैन देखता है कि उनमें से एक आदमी छत से नीचे गिरने ही वाला है। तब बैटमैन भागकर उस आदमी को गिरने से बचा लेता है और फिर से उसे पीटने लगता है। अल्फ्रेड बैटमैन से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? बैटमैन कहता है कि मैं उसे गिरने नहीं दे सकता था। अल्फ्रेड कहता है लेकिन मैं होता तो उसे गिर जाने देता। बैटमैन कहता है तुम मजाक कर रहे हो? अल्फ्रेड कहता है चमकादर के कपड़े तो तुमने पहन रखे हैं और कह रहे हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? अगर तुम गुंडों को डराना चाहते हो तो तुम्हें एक दो गुंडों को मारना ही होगा। बैटमैन कहता है उनको पहले ही लगता है कि मैंने कॉबलीबोट को मारा है और मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अल्फ्रेड कहता है कि अगर मैंने कॉबलीबोट को गोली नहीं मारी होती तो तुम अब तक मर चुके होते। अब बैटमैन अपनी कार में उन गुंडों का पीछा करते हुए अल्फ्रेड से कह रहे हैं कि हम इस शहर को मेरे वाले तरीके से साफ करेंगे, तुम्हारे वाले से नहीं। कोई गन्स नहीं और कोई किलिंग्स नहीं। अल्फ्रेड कहता है तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे और मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि अगर ये लोग बिल्डिंग से नीचे गिर रहे होते हैं तो तुम्हें उनको बचाने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम उनकी इतनी चिंता क्यों करते हो? बैटमैन कहता है मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे उनकी फैमिली और बच्चों की चिंता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा ये सोचते हुए बड़ा हो कि बैटमैन ने उसके पापा को मारा था। बातों बातों में बैटमैन की कार एक पंप से टकरा जाती है और उसके बाद एक पिज्जा वैन से जाकर लगती है। तब ब्रूस बैनर उन गुंडों की कार को भागते हुए देखता है और अल्फ्रेड से कहता है मुझे इसे तेज कार चाहिए, पुलिस यहाँ आ चुकी है और वो बाकी गुंडों को पकड़ लेगी। जिसपे अल्फ्रेड कहता है कि हार्वे डेंट की वजह से ये गुंडे सुबह तक कैसे छूट जाएंगे। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम्हें अपना तरीका बदलना होगा और अब तुम घर आ जाओ, डिनर ठंडा हो रहा है। बैटमैन कहता है कहीं तुमने फिर से वही पाई तो नहीं बनाई है? अल्फ्रेड कहता है चलो ठीक है मैं पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। इधर हमें न्यूज़पेपर में दिखाई देता है कि कोई किलर क्रोकोडाइल लोगों पे अटैक कर रहा है। मिस्टर फॉक्स साइंटिस्ट के ग्रुप को बता रहा है कि ब्रूस वेन को एक रेसिंग कार चाहिए जिसमें मिस्टर वेन को कुछ पर्सनल मॉडिफिकेशन भी चाहिए क्योंकि वो एक रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इन सब कामों के लिए बहुत पैसे चाहिए। जिसपे मिस्टर फॉक्स उनसे कहते हैं कि मिस्टर वेन ने मुझे तुम लोगों की सैलरी 40% तक बढ़ाने की परमिशन दे दी है और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्रस्ट फंड भी बनाया जाएगा। ये सुनकर सब साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। हार्वे डेंट उस कमबैक मैरोनी के कोर्ट में पेशी के दौरान मैरोनी से कह रहा है मेयर कॉबलीबोट की डेथ के बाद कई लोग ये सोच रहे हैं कि अब इस शहर को एक नए रास्ते पर ले जाने का मौका आ चुका है, अगर हमने इस शहर को नहीं बदला तो ये ऐसा ही गंदा बना रहेगा। मैरोनी कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हार्वे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ।
क्या तुम प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनना चाहते हो या सॉल्यूशंस का? तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो हम ये सुनवाई आगे बढ़ा सकते हैं और मैं तुम पे ऐसे केस ठोक सकता हूँ कि तुम लंबे टाइम के लिए जेल चले जाओगे, इतने लंबे कि बुढ़ापे के कारण तुम्हारे दांत तक टूट जाएंगे, या फिर तुम मेरे ऑफिस में चलकर मुझे वो सब बता सकते हो जो कुछ तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मेयर कॉब्लीपोर्ट के लिए किया, और कॉब्लीपोर्ट किसके साथ डीलिंग करता था, पुलिसमैन, काउंसिलमैन या फिर जजेस, जिस पे जज कहता है मिस्टर डेंट अपनी जुबान पे लगाम लगाइए। अब मैरोनी हार्वे से कहता है कि तुमने मेरे दोस्तों का मुंह खुलवा लिया होगा, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं हूँ। हार्वे कहता है हाँ तुम हो, और जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। टीवी पे न्यूज चल रही है कि गौतम शहर को बदला जा रहा है, हम नहीं जानते कि ये अच्छा है या गलत। मेयर जेसिका डेंट और उसका भाई हार्वे डेंट इस शहर की गंदगी को साफ करने के लिए अभियान पे लग चुके हैं, वो गंदगी जो तब से फैली हुई थी जब से वेंस का मर्डर हुआ था। और अच्छा होगा कि ये लोग मेयर कॉब्लीपोर्ट के द्वारा फैलाई गई गंदगी को जल्दी साफ कर दें। हमें पता चला है कि कॉब्लीपोर्ट के गंदे साथी गौतम पुलिस डिपार्टमेंट में भी मौजूद थे। डिटेक्टिव बल्लोक एक बार में बैठा शराब पीते हुए ये न्यूज सुन रहा है, तभी डिटेक्टिव गोल्डन आकर बल्लो को शराब पीने से मना करता है, जिस पे बल्लो कहता है कि मैं यहाँ एक आदमी के लिए आया हूँ। ये जो आदमी पूल खेल रहा है ना, उसका नाम डेमन ड्रूसे है। ड्रूसे कॉब्लीपोर्ट की गुंडों में से एक है और उसने कई सारे लोगों की हड्डियाँ तोड़ी हैं। कई साल तक ड्रूसे ने अपनी गर्लफ्रेंड को पीटा, जब वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी तब ड्रूसे ने उसकी बच्ची को भी पीटा, और तुम्हारी तरह ड्रूसे की गर्लफ्रेंड भी मुझे इन सबसे दूर रहने के लिए कह रही थी। कोई भी उस लेडी की मदद क्यों नहीं करना चाहता? गॉर्डन कहता है तब चलो उस लेडी और उसकी बच्ची को इस शहर से बहुत दूर ले चलते हैं। बुल्लो कहता है और मैं इस कुत्ते के पिल्ले को ऐसे ही जाने दूं? ये सही नहीं होगा। तब बुल्लो खड़ा होता है और ड्रूसे के पास जाते हुए कहता है हे ड्रूसे, तुम्हें औरतों और बच्चों को मारना पसंद है ना, तुम मेरे साथ लड़ो, तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। तब ड्रूसे बल्लो के थोपड़े पे एक पंच मारता है और कहता है अब यही बात अपने टूटे हुए थोपड़े से बोलकर दिखाओ। और इसी के साथ डिटेक्टिव गॉर्डन भी ड्रूसे और उसके साथियों से लड़ने लगता है, और आखिरकार उन सबको पीट कर उन्हें अरेस्ट करते हुए गॉर्डन बल्लो से कहता है ये आखिरी बार है जब मैंने तुम्हारा साथ दिया है। बल्लो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें गौतम को ठीक करना होगा। गॉर्डन कहता है मैं अब और तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, हम भी इन लोगों की तरह बुरे नहीं बन सकते। जब तुम पहली बार गौतम शहर में आए थे तब मुझे तुम्हारे अंदर एक सच्चा पुलिसमैन दिखाई दिया था। बुल्लो कहता है लेकिन उस टाइम मैं गौतम को नहीं जानता था, और अभी मुझे थोड़ी और दारू पीनी है। गॉर्डन कहता है तुम्हें घर चलना होगा, जिस पे बुल्लो कहता है ये रात का टाइम है और अभी मैं कोई ड्यूटी पे नहीं हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। गॉर्डन कहता है तुम इसे रात कह रहे हो? तब गॉर्डन बल्लो को बाहर ले जाकर बताता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं और तुम 3 घंटे से ड्यूटी पे हो, 3 घंटों से मैं तुम्हें पागलों की तरह दारू के अड्डों पे ढूंढ रहा हूँ। बल्लो कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं कि आजकल मुझे क्या हो रहा है। गॉर्डन कहता है ये बात तो शहर में कोई नहीं जानता कि इस शहर को कैसे ठीक किया जाए। तब गॉर्डन बल्लो को गाड़ी में बैठाता है और पुलिस रेडियो से आवाज आ रही है डिटेक्टिव गॉर्डन, डिटेक्टिव बल्लो, कैप्टन ने तुम दोनों को अभी गौतम टावर्स में बुलाया है, हमें लोगों की लाशें मिली हैं।